हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीएफ का पैसा कैसे चेक करते हैं। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको उसका पैसा चेक करना आया है कि नहीं आया है, तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखेंगे पीएफ लॉगिन, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे दूसरे नंबर पर ईपीएफओ मेंबर पासबुक क्लेम स्टेटस, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम पीएफ अकाउंट नंबर आपने बनाए होंगे उसी नंबर से एक्टिवेट होता है, एक पीएफ अकाउंट नंबर मिल जाता है, ठीक है। यदि आप नहीं बनाए हैं तो आप कोई अदर वीडियो यूट्यूब पे होगा वो देख लीजिएगा, उसके जरिए आप बना सकते हैं। पीएफ अकाउंट नंबर बन जाता है, मोबाइल नंबर से ही बनता है जो आप मोबाइल नंबर कंपनी में दिए हुए हैं, या पहली जो सैलरी स्लिप आती है कंपनी की उसमें लिखा होता है पीएफ नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर डाल देते हैं, ठीक है। पेस्ट नहीं हो रहा गाइस, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका पीएफ अकाउंट नंबर रहेगा, पैन कार्ड नंबर रहेगा, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए सिलेक्ट मेंबर आईडी लिखा है, ठीक है। तो आप जिस जिस कंपनी में काम करके छोड़ दिए हैं या कर रहे हैं, ठीक है, तो देखना चाहते हैं कितना पीएफ में, मतलब उसका बैलेंस है उस कंपनी का पीएफ अकाउंट में, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर आईडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम लास्ट वाले किसी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो उस कंपनी का मुझे मैं देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है व्यू पासबुक, ठीक, इस पर हम क्लिक करते हैं। ओके, और यहाँ पे लास्ट में सबसे नीचे आएंगे, देख सकते हैं कि किस किस महीने में कैसे कैसे किस तरीके से पैसा मतलब आपका कटा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिखाता है कि सैलरी आपकी इतनी बनी है, इतना आपका पीएफ कटा है, ठीक है। तब चलिए हम लास्ट ऑप्शन पे यहाँ देख लेते हैं। हाँ, मेरा भी पीएफ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, ठीक है। पहले का पीएफ मतलब एक पीएफ किसी कंपनी का है, बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे इतने पीएफ में हैं, ये पेंशन का पैसा है, ठीक है, 3,000 कुछ रुपये हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। और टोटल पैसे इतने हैं, 5,000 के करीब हैं, ठीक है, एम्प्लॉय शेयर का। तो हम इस पैसे को हम आप विद्रॉल भी कर सकते हो और ऐसे में आप चेक कर सकते हो, ठीक है, अपने पीएफ अकाउंट लॉगिन करके किसी भी कंपनी का पीएफ कटा है कि नहीं, कितना कटता है, कितना क्या है, आप सब कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चेक करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो भी कंपनी है, आप जिस कंपनी में काम किए हैं उस कंपनी का इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, और इस चैनल पे इस तरीके से नए नए वीडियो आते रहेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना गाइस, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।